आओगे डूब बन जाओगी बन। नो सारे राज ना पूछा करो था हम तो नो बल्ब के बगन बच्चों को राज तो पूछने पड़े ना 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 ये बाप ही ने पूछा होगा डूब बन जाओगी के डूब डूब बन जाओगी। अच्छा फिर वो मामे फिर 60 साल के मरू में बेकार जाओगे बस की बात कौन दी राम राम ताऊ और सारी बात के टैग वो वैसे बाप का करो डाई करा रखे बाल सफेद कोनी हो रे। अच्छा डाई करा रखे और की नहीं तो नहीं बोले बुड्ढा हूं मैं बेकार के बिल्डिंग सर के करे नो मैं तो कर दूंगा कड़ा जोड़ की बात हुई थी जोड़ की हां तैयार रहे तो फिर आ गई ना अक्सर इसके मन के काट लो ना नहीं तरीका कुछ मेरे ख्याल है ना बर्ताव किसा बताऊं तो नहीं जमा वहाँ को नहीं बस एक बताऊ बात इनके साथ कितने अंतर हो मैंने साला 8 साल हो गए 8 साल पेमेंट पामेंट टाइम दे दे तो 2 मिनट में चल जाएगा तेरे नून मेरा खड़े रहना है। जय रे आंटी देखने वाले व सा दर्शकन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों इस वक्त आप जो तस्वीरें में देख सकते हैं जो आपको है पटरी जो दिखाई दे रही है और पटरी पर है जो ट्रेन जिसे हम बोल सकते हैं अभी वैसे तो बिल्डिंग चल रही है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से है यहाँ पर पहिए जो लगे हुए हैं और अब 5 कदम दूरी यानी कि भैया बिल्डिंग हो जाएगी यहाँ तक पूरी हो जाएगी। देखो मतलब लगभग ये 5 कदम की दूरी पर है बिल्डिंग रह गई है और बहुत सारे भाई जो कृष्ण जांगरा है देसी इंजीनियर उस तनु का आग्रह थे भाई आप पर सरका कोने हो कि सार्थक भी है उसके पास फ़ोन आए थे। तो फिलहाल अभी आप देख सको हो ये सिर्फ 5 कदम की ही दूरी पर भाई बिल्डिंग है भाई दुनिया में भी ऐसा पहला मिस्त्री आपने कहीं देखा नहीं होगा क्योंकि जो देसी इंजीनियर है उन्हें बहुत ही बड़ा जो हरियाणा में है कारनामा किया है और बहुत सारे ताऊ के पास फ़ोन भी आए देश से आने भी लग रहे हैं आज भी आन के टाइम में देखा आज भी फ़ोन उसके पास आने लग रहे हैं भी कह रहे थे ताऊ बिल्डिंग कद सरकेगी कद पूरी होगी लेकिन अब तो सिर्फ ये 5 कदम की ही दूरी पर ये बिल्डिंग है भाई देख सको। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 कदम की दूरी और हो जाएगी बिल्डिंग पूरी तो भाई होगी पूरी सिर्फ है और देख सको लाग रहे मिस्त्री मतलब भाई हर टाइम है भाई बहुत मेहनती है वैसे देखा जाओ तो जो देसी इंजीनियर कृष्ण जांगड़ा है बहुत मेहनती है भाई हर टाइम है भी 60 साल के हो लिए हैं और भी काम ले रहे हुए हैं ये भी सबसे बड़ी बात है क्योंकि भाई बुढ़ापे में आकर फिर भी इतना काम कर रहे हैं ये भी सब बस की बात कौन दी राम राम ताऊ और सारी बात के टैदे बुढ़ापा रे बुढ़ा ना कह दिए हम बात ना 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 बता दें और सारी बात लेकिन ताऊ मैं तो आपके बाल बुढ़ देखा कर था ना वो वैसे बाप का डाई करा रखे बाल सफेद को नहीं हो रे। अच्छा डाई करा रखे और की लेकिन कोई तो काले करा अगर आपने सफेद करा रखे अरे मजा मैंने तो सफेद में आओ काले क्यों कराऊंगा। अच्छा यही तो राज है। अच्छा ये बताओ बहुत सारे आप तो भी कहा अगर थे यहाँ पर बिल्डिंग सरकेगी भी नहीं सरकेगी बहुत सारे न्यू कहा कर दे हाँ। तो कहने तो बोले बुढ़ा हूँ मैं बका रहा के बिल्डिंग सरक दे करे न्यू में तो कहूँ थे बोले मैं बका रहा है एक बजे उधर लोग आग भी जी हाथ तोड़ गया था वहाँ तो रुकिया रोमड़ा है। अच्छा इस जी की तोड़ दिया था देखो वो तो अपनी जगह पर सही था जब कई बार एक सही चीज ना गणे आदमी गलत लाग जाए कहने और शंका पैदा हो जाए है यो नो बोला करो ला कृष्ण जांगड़ा साहब देख तो लिए हैं बस फिर मैं दूर हो मतलब नन्नू का मैं तो मेरा दूर होगा उन नहीं कहोगे जो आप तो नुका करते या तो बिल्डिंग सर का ही कौन उन के कुछ कहोगे कि आपने आज पूरा कर दिया काम नहीं देखो ना वो बात सच जो लगभग जिसने गलत करा होवे मान तो उसके लिए गलत नहीं करने उनको आप पे बेरा लग जाए क्या कहना था ठीक है ना उनको आप एहसास उनको फोन नहीं बंद दे फोन नहीं उठा दे। अच्छा मैं 5 कदम की दूरी पर आ गया तो कितना टाइम लग जाएगा नुन्नो लग रुक जी आज ये थोड़ी देर में 4 कदम की दूरी हो फिर बना उसका फिर तीन जाना नहीं आज जाना नहीं है ना बंदा वो आपके पास है। अच्छा आप ही और बताओ ये कहाँ जा रहे उसके बाद आप कहाँ जा रहे उसके बाद जाऊँगा मैं जयपुर मंदिर उठा के आऊँगा। अच्छा वहाँ भी हाँ उसके बाद आऊंगा इशार हाँ जी हूँ तो आज कलकत्ता फोन दबरा था नरे भाई मरण दो भगवान का सवेर कलकत्ता फोन दबरा यहाँ क्या अपन बहुत ज़्यादा टेंशन थी और आज पूरी हो जाएगी तो मतलब आज कितनी खुशी होगी अपने बिल्डिंग बस देखिए तो मैं कह रहा है भाई डोल वाला प्रबंध कर दिएगा हाँ और क्या तुम्हारे भाई देख हमारे साथ है जो दिलबाग जी हमारे साथ उड़ चुके जी क्या कुछ कह रहे मिस्त्री जी को एक डोल डाल का बुढ़ापा के इस नखरे रहे है ये मल डोल डाल पर कमरो करवा दें कल सवेरे करवा दें कल सवेरे हां करवा दें ताऊ कल ना बोल रहे हैं कल ना करा देंगे खुशी है इस बात की। अच्छा ये बताओ आप जो बिल्डिंग जो आगे सरकार ने जो काम किया क्या सिस्टम मतलब क्यों कराई
मंदिर का स्वरूप नहीं दिखता दूर सड़कता है। अच्छा। महाराज जी ने महसूस कराया भाई एक तो वो चीज मंदिर नजर आना चाहिए, एक जैसे दूना थोड़ा आगे था वो थोड़ा शिफ्ट होगा, मंदिर का प्रांगण खुला हो जाएगा, लोगों को आने जाने में आसानी होगी, ये चीज थी। क्योंकि स्टोर रूम है इसमें तो चीजें रखनी थी बस, बल्कि एक बार तो इनको था जोड़ में खड़े कर दूंगे, खड़े जोड़ की बात हुई थी, जोड़ की हाँ तैयार रहे तो जोड़ की बात हुई। हाँ मैं मुझको एक के कुछ बिगड़ जाए जोड़ में नहीं, ये बताओ जोड़ में कैसे बचाओगे, डूबन जाओगे बस नो सारे राज ना पूछा करो था हम तो नो मतलब एक ना बताओ करो राज तो पूछने ना 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 ये बाप ही ना पूछाओगे डूबन जाओगी के डूब डूबन जाओगी। अच्छा फिर वो मामे फिर 60 साल के मर में बेकार जाओगे या डूबगी तो फिर क्या तरीका अपनाओगे वही बात फिर आएगी ना अक्सारे इसके मन के काट लो ना नहीं 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 तरीका कुछ एक तो आप जिक्र अनुमान तो अनुमान तो बताने इंजीनियर सारे कुछ बहन तो समुद्र का मैं पुल ले जाए ठहरे तो सोचता है कुछ भी कौन नहीं उनके दिमाग और टेक्नोलॉजी जो है तो है ना 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 बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ कितना टाइम लग गया आप जब स्टार्ट करी थी? वैसे तो टाइम तो काम स्टार्ट में लगभग 2 महीने लग गए हैं। अच्छा अच्छा लेकिन हम लगातार हाजिरी लगाते ना यहाँ 20 दिन का काम मेरा था। अच्छा उठाने का भी शिफ्टिंग और लिफ्टिंग का ठीक। बीच में बारिश थी गिल्ली मिट्टी थी है कुछ महीने भी इमरजेंसी हुई बीच में कोई काम को। अच्छा, आप ही और बताओ देखिए जो इस गांव के जो लोग आपके पास भी यहाँ पर आए थे तो कैसा उनका बर्ताव था? नहीं गांव वाले के तो भाई मेरे ख्याल है ना बर्ताव किसा बताऊँ तो नहीं भाई जब मैंने वहाँ को निकलना हो रास्ता होगा ना यहीं को जाऊंगा फिर भी। अच्छा हाँ मंदिर का खिंचाव इतना रहेगा और गांव तो हर आदमी मेरे को जाने लग गया देखो बिल्कुल किसी ने मतलब मेरे को कह नहीं बोले अब तक यहाँ भी मेरे मेरे से बुजुर्ग बड़े आओ ना अभी ना जी मेरा फर्ज बना है यहाँ तो आ जोड़ने का। अच्छा बिल्डिंग तो आपने पहले भी बहुत सारी है शिफ्टिंग करी होंगी लिफ्टिंग करी होंगी उठाई भी हाँ लेकिन यहाँ की बात करी जाओ तो यहाँ की कितनी आपको याद है आने वाली? नहीं वो एक टाइम होता है टाइम नहीं होता इससे बड़े बड़े कारनामे पहले करे इतने पॉपुलर वहाँ नहीं हुए हम पता नहीं क्या कारण था 3 मंदिर सन में सरकार थे 5 साल पहले क्या फिर पंचवटी मंदिर का कमाल है तो भगवान की कृपा इन बाबा की अरी से बढ़िया दे धरती धरती के बारे में मैं वो करूँगा एक पूजनीय धरती यहाँ आए तो हमारे साथ ही साथ ही तो यही से आप वायरल हो हाँ हाँ विदेशों से वैसे एक उतम बात है वो तो सच्चाई से हाँ सच्चाई इस जगह हमें आगे तो बढ़िया हो गया बहुत अच्छी जगह है सही बात है। देखिए आप जब आप यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके पास लोग ही पहुँचे हैं बहुत सारा आपको प्यार यहाँ पर देखने को मिला है जब आप यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह तो इस जगह की इस मंदिर की आपको कितनी याद आने वाली है? नहीं याद तो आओगे हम है ना आते ही आज ये लड़का है मेरे पास 5 से 7 घंटे होंगे हम उनको 1 मिनट में परख दिया और कामयाबी मिलेगी। अच्छा हाँ अपना एड्रेस दे भाई पहली बार आए भाई साहब आप? हाँ जी आज पहली बार आए हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं कारखाना गांव से हूँ और आज ही अंकल जी के साथ आया हूँ और काम में जी मेरा काम में बहुत जी लग गया और काम मेरे अपने इस काम को पूरा सीख के दिखाएंगे और बढ़िया डाल काम को जी लगे एक मिनट कुछ बात करने आपता है राम 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 राम। अच्छा आप इनके साथ कितने अंतर हो? मैंने इनके साथ 8 साल हो गए। 8 साल हो गए कैसा बर्ताव है मतलब काम के समय कोई गुस्सा हो आपको ऊपर? ना जी ना बर्ताव अच्छा है इनका। मेरा लड़का भी इनके पास ही मैं भी। अच्छा पेमेंट टेम देता है बिल्कुल एडवांस तो बंदा ठीक है। हाँ जी ठीक भैया ये बात पूछता आप तो भैया आप भाई मतलब यार पता क्या है सारी बात पूछनी जरूरी हो कह रहा हो सका मारे जाए पीछे नदम का आंदा हो पेमेंट टेम तो देता हो वो अब यार पूरी सह बात आनी चाहिए ना। हाँ हाँ बोलता हूँ क्या कहो था कुछ कहो था ना मैं क्या कह ना बस ना, ये ना, पूछ रहे थे आपके वर्कर ना अभी आप टेम जो पेमेंट टेम दे रहे नहीं दे रहे हैं या फिर बात करें बर्ताव कैसा है बर्ताव तो आपको अच्छा बता रहे हैं तो 2 मिनट में चाय जाएगा तेने नून मेरा कड़े रहना है। चलो बाकी देख सकते हो मैं दोबारा फिर रब्ता भाई पूरा जो हाईलाइट मामला एक बार फिर रब्ता अवगत कराना चाहूँगा क्योंकि जो है बिल्डिंग थी भाई यहाँ से होकर थी बिल्डिंग और ये मंदिर है ना ये मंदिर दिखा कर था अब देख सको हो अभी मंदिर भी दिखने लग गया है और लगभग ये 65
फुट की दूरी से आगे इसको ले जा गया है। और अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर है, ये जगह खाली हो चुकी है और इस बिल्डिंग को जहाँ पर जाना था आज वो पहुँच चुकी है और सिर्फ 5 कदम की दूरी पर ये मंजिल है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो देसी मिस्त्री कृष्ण जांगड़ा है, जो देसी वैक्यूम देसी काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने भाई हमें राय जरूर दे। तो हम फिर हाजिर हूँ किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।